आज हम बची हुई इडली का चाट बना रहे हैं। जैसे हमने इडली बची हुई इडली हमारी, इसके ऊपर पहले हम ये सॉस लगाएंगे, टमाटो केचप या सॉस जो भी है आपके पास, थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे। ऊपर जो हमने ये प्याज काट के रखा हुआ, इसको थोड़ा सा ओनियन ऐसे डाल देंगे, प्याज काटा हुआ, तो थोड़ा सा टमाटर काटा हुआ, थोड़ा सा कैप्सिकम काटा हुआ, शिमला मिर्च, इसके ऊपर आप उबली हुई मक्की, मक्का के दाने या चीज, पनीर जो भी आपको चाहे अच्छा लगे डाल सकते हो, वो खाने में अच्छा लगता है, वो टेस्टी लगता है। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे, टेस्ट और बढ़ जाएगा इसका। इसके ऊपर जो नमकीन सेव जो, इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी पहले हमने नमकीन बनाया, अभी हम बच्चों के लिए मीठा बनाएंगे। इडली के ऊपर ऐसे जैम लगा देंगे, ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर जो हम ड्राई फ्रूट्स जो बादाम काजू और पिस्ता जो भी आपके पास हो आप ऐसे लगा देंगे। ऊपर जो ग्रेट करो आपको फ्रेश कोकोनट, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ऊपर जो चेरी टूटी फ्रूटी में होती है ऐसे इसके ऊपर लगा देंगे। हमारी इडली चाट रेडी हो गई है, जो नमकीन जो मीठी है और जो नमकीन है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है और जल्दी बन जाती है।